चिल्वाताल पुलिस ने चोरों के रैकेट का खुलासा करते हुए चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा इनके पास से चोरी के सामानों को बरामद करते हुए चार घटनाओं का अनावरण किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गोलेरिया थाना क्षेत्र झुंगिया बाजार निवासी आलोक चौधरी उर्फ इस पुत्र कन्हैया, रोहन चौहान पुत्र स्वर्गीय चुन्नू चौहान, सुनील गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता तथा मनोज सोनकर पुत्र स्वर्गीय बेचन सोनकर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने दो सेट सोने का झुमका, एक अंगूठी, मांग टीका, सोने की चैन, 4,000 रुपए नगद, चार मोबाइल चोरी करने के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त दो बाइक बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे और एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। चलो ना, कैसे रखे इसको अभी, कहां अब खींच भी लोगे साथ में? कौन ना भारी लग रहा है? शादी हुई है सभी की, चोरी है कल भी, तो माइंड को आना सर वाला लग रहा किनारे वाला हंस रहा है। चोरों का जो है गैंग पकड़ा गया है, जिनके ऊपर जो है 3 या 4 चोरियां जो है इन्होंने कबूल की हैं और जो है काफ़ी सारा माल भी बरामद हुआ है। इसमें जो है कुछ सोने के गहने हैं, चांदी के पायल है, एम्पलीफायर मशीन है, 2 मोटरसाइकिल है, 4 मोबाइल हैं। इसके अलावा चोरी करने के कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो उम्मीद है कि इनसे जो केवल चोरियां जो जिन लोगों ने बताई हैं उसके अतिरिक्त भी जो है हम बाकी थाना अध्यक्षों को इनवाइट कर रहे हैं, इनसे पूछताछ होगी और भी जैन का पर्दाफाश होगा। निश्चित रूप से गैंग है, आप देख ही रहे हैं कि 4 लोग तो हैं इकट्ठे और इसके अलावा 3-4 चोरियाँ कबूल किए हैं, तो इसका मतलब ये जो है संलिप्त हैं। किस क्षेत्र में करते हैं ये रहने वाले जो है? ये झुग्गिया बाजार के है, झुग्गिया बाजार के लोग हैं, चिल्वाताल और अन्य एरिया में भी ये लोग चोरी करते हैं। 3 घटनाएं इन्होंने कबूल देखो, इनका बेसिक ये होता है ये लोग रेकी करते हैं, कोई इनके जब गैंग होते हैं तो ये लोग रेकी करते हैं, फेरी का इनका जाते हैं, फेरी करते करते देखेंगे घरों को क्या होता है, तो इसी प्रकार ये लोग पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर घटना को सुनते हैं।